नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज। जनपद गाजीपुर के PG कॉलेज के ग्राउंड पर अपने प्रतिभाओं का हुनर दिखलाते हुए यह बच्चे किसी निजी स्कूल या कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे नहीं हैं, बल्कि उन स्कूलों के बच्चे हैं जिन्हें हम और आप प्राथमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। जी हाँ, यह खेल प्रतियोगिता प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी 66वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता है, जिसमें पूर्व में क्षेत्रीय स्तर पर प्रतियोगिताएँ कराई गई थी और उसके बाद 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद के कोने कोने से प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे अपने हुनर का जलवा दिखलाया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अधिकारी के बालाजी रहे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन पर छात्रों को अग्रिम बधाई दी। वहीं इसके विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी हरिकेश चौरसिया रहे, जिन्होंने इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वहीं जो यह कार्यक्रम बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित किया गया था, लेकिन इस कार्यक्रम की जानकारी जनपद के मीडिया कर्मियों को नहीं दिया गया था। मुझे पता है कि सारे शिक्षकों ने इसमें अपना योगदान दिए हैं, कुछ यहाँ होंगे और कुछ यहाँ आज नहीं भी होंगे, सबने आज इसमें योगदान दिए हैं। इसको हमेशा के लिए यथावत बनाए रखें और एक अच्छे पॉजिटिव सोच के रूप में इसको ज़रूर लें और ये इस परंपरा हमेशा चलता रहना चाहिए। और जो आज खेलेंगे, बहुत सारा विभिन्न स्पोर्ट्स में आज पार्टिसिपेट करेंगे, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है, स्पोर्ट्स का एक रूल्स होता है, डिसिप्लिन होता है, उसी के तहत आप पार्टिसिपेट करेंगे। जितने अच्छे से अच्छे प्रयास कर सकते हैं ज़रूर करें और आप सबको पुरस्कार मिले, यही मेरा अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कुटुंब की भावना निश्चित रूप से इस खेल के मैदान से ही आती है। पहली पाठशाला बदुता की यह खेल का मैदान ही है। ये बच्चे जो आज अपने शारीरिक प्रदर्शन और इसके साथ जो मानसिक प्रदर्शन इन्होंने प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से इससे देश का भविष्य उज्जवल होगा और आने वाले समय में ये बच्चे हिंदुस्तान को आगे ले जाने में निश्चित रूप से सफल होंगे। मैं प्रस्तीय विद्यालय की इस क्रीड़ा प्रतियोगिता और इनके सांस्कृतिक समारोह की अच्छी प्रस्तुति और अच्छे कार्यक्रम के लिए पुनः सभी अध्यापकों का, इनके गार्जियंस का और ख़ास तौर से जो जिले की कोर टीम है, शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में, उसको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।